हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैं आपको बीफ भुना की रेसिपी देने वाली हूँ, जो बिल्कुल ही ऑथेंटिक स्टाइल पे बनने वाली है। ये मेरी दादी की रेसिपी है और मेरी दादी ये कहा करती थी कि उनकी जो दादी थी वो भी इसी रेसिपी से बीफ भुना बनाया करती। घर के 4 से 5 इंग्रेडिएंट से ही आपकी ये बीफ भुना तैयार हो जाएगी और आप इसका कलर देख लो, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1/2 kg के करीब बीफ ले लिया है। आप चाहें तो इसे मटन से भी बना सकते हैं, अच्छे से वॉश करके आप रख लें। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं। मैंने 1 तेज़पत्ता, 4 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब प्याज लिया है, 3 मीडियम साइज़ के करीब होगा। अब हमने 1/2 kg के करीब गोश्त है तो उसका आधा यानी कि 250 ग्राम के करीब अनियन होगा। यही हमारा जो है वो मेजरमेंट रहेगा। उसे मैंने थिनली स्लाइस करके रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक प्रेशर हाई हीट पर चढ़ाई है और उस पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है 1/2 कप के करीब। मस्टर्ड ऑयल हो तो बेस्ट है, वरना आप रिफाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए हमें उसमें खड़े गर्म मसाले डाल देने हैं, वो अपना फ्लेवर रिलीज़ कर ले। उसके बाद हमें अपनी प्याज डाल देनी है जो हम लोगों ने थिनली स्लाइस करके रखी थी। अब यहाँ पर हमारी जो प्याज है उसे हमें बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है और बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि हमने इसमें किसी तरह के कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या टोमेटो प्यूरी या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस तरह की चीज़ें कुछ भी इस्तेमाल नहीं करनी है। बस हाँ, जो भी कलर आएगा हमारे भुना गोश्त पे वो हमारा प्याज का ही आएगा। तो प्याज आप लगातार चलाते हुए उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करें। थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन होगा, आप देख लीजिए बहुत अच्छे से शक्ल इसकी के कितनी ब्राउन हुई, देखिए कितनी खूबसूरत सी। बस यहाँ पे इसे ज़्यादा ना करें वरना ये जो है वो जल जाएगी और हमारा जो सालन है वो थोड़ा सा तीता हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिए। और जैसे ही आपका जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए हमें इसमें फ़ौरन गोश्त डाल देनी है और उसके साथ में थोड़ी देर फ्राई करना है ताकि हमारा जो गोश्त है वो कलर चेंज हो जाए। ये देखिए आप प्याज की शक्ल देखिए, गोश्त डालने के बाद में आपको दिख रहा होगा कितनी बढ़िया सी ब्राउन हुई है। तो हमारा जो गोश्त है उसका भी कलर चेंज हो गया है। अब हमें इसमें डाल देनी है कुछ मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर कर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट डाल रही हूँ और 1 टीस्पून के करीब मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1/2 कप के करीब वाटर। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। अब लाल मिर्च और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब लेड लगा दें और उसके बाद पहली सीटी हाई फ्लेम पर, उसके बाद फ्लेम को स्लो कर दें और 20 मिनट स्लो फ्लेम पर हमें पकाना है। और उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दें और प्रेशर रिलीज़ ना करें, प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ होने दें। और उसके बाद आप लेड खोल कर चेक कर लें। ये देखिए हमारे गोश्त की शक्ल देखिए, उसकी कलर देखिए, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ऐड किया, ना ही टोमेटो प्यूरे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कुछ भी नहीं। बट इतनी ज़बरदस्त सी स्मेल आ रही है। बस हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है गोश्त में वो थोड़ा सा भून लेना है, पानी ज़्यादा तो नहीं है बट हल्का सा है, तो आप हल्का सा उसे भून लें और बस हमारा जो भुना गोश्त है वो बिल्कुल रेडी है। ऑथेंटिक रेसिपी है, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें। कुछ भी नहीं, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगता, बस प्याज का जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको और आपकी जो ऑथेंटिक बीफ भुना है वो बिल्कुल रेडी है। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं हम अपने अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।